का ये मुद्दा क्यों नहीं है कि जिस नहर को श्री बाबू ने बनाया था उसका पानी क्यों सूख गया है? उस नहर का पानी इसलिए सूख गया है क्योंकि हमारे नेताओं के आंख का पानी सूख गया है। उनको ये दिखाई नहीं देता है कि जनता का बुनियादी सवाल क्या है। शिक्षा के लिए बाहर जाइए, रोजगार के लिए बाहर जाइए, इलाज कराने के लिए बाहर जाइए, छोड़ दीजिए ब्याह होगा नहीं यार तो हम नहीं बनाने के लिए बाहर क्यों भाई? खड़गपुर में भी झील है ना, तो यहाँ रिजॉर्ट काहे नहीं बना है? यहाँ पे पहाड़ है ना, तो यहाँ रोड पे क्यों नहीं शुरू हुआ है? यहाँ पे जो है सैलानियों को आने के लिए जगह क्यों नहीं तैयार किया गया? उस मित्र नाम के व्यक्ति ने किताब लिखी है, रुकतापुर हिंदी में है, पढ़ लीजिएगा कि बिहार की गाड़ी जिसको कहा जाता है कि डबल इंजन लगा हुआ है वो रुक गया है। आप एक एक चीज को उठा करके देख लीजिए, आपको ऐसा लगेगा। आप सवाल को उठा करके देख लीजिए, रोजी रोजी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी और एक एक इंसान के आत्मसम्मान का सवाल हम आपके बीच। इसीलिए जब हम आपके बीच चुनाव में आए हैं तो ये हमारे लिए मौका है कि हम अपने बुनियादी सवालों को लेकर के बात करेंगे। और आपको अगर आपके बुनियादी सवालों को लेकर हमारे भीतर लड़ने का जज्बा दिखाई देता है तो हम खुले दिल से आपका समर्थन चाहेंगे, आपका वोट देंगे। और किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं मांग रहे। आपको मालूम है कि हमारे प्रत्याशी लंदन से चल करके तारापुर आए हैं, यहीं पैदा हुए हैं, लेकिन पढ़ने के लिए लंदन गए हैं। लोग बिहार से जब जाते हैं तो वापस नहीं आते हैं, ये लंदन में पढ़ करके वापस आए हैं। और आप जानते हैं कि जब ये निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी चुनाव लड़े थे तब भी इनको 10,000 लोगों ने अपना समर्थन दिया था। आप जानते हैं कि आज के जमाने में जब हर चीज खरीदा और बेचा जाता है उस वक्त सेवा का दायित्व अगर कोई उठा रहा है तो उसका मनोबल हमको बढ़ाना चाहिए। जो लड़कियों की शिक्षा के लिए काम कर रहा हो, जो नौजवानों के लिए कंप्यूटर की व्यवस्था कर रहा हो, जो बुजुर्गों का इलाज कराता हो, अगर उस हाथ को हम मजबूत नहीं करेंगे तो समाज के भीतर सेवा को जो सबसे बड़ा धर्म माना गया है उस धर्म के साथ हम भीतर घात करेंगे। इसीलिए हम आपसे ये आग्रह करने के लिए आए हैं, इधर उधर की बात सोचने की जरूरत नहीं है। किसी को अगर लगता है कि कांग्रेस पार्टी के बिना कुछ हो सकता है तो उनको शायद दही जमाना नहीं आता है। दही जमाने के लिए जोरन का जरूरत होता है, नहीं होता है। बिहार में अगर बदलाव चाहिए, सरकार अगर बदलनी है तो कांग्रेस पार्टी जोरन है तभी दही जमेगा। ये सच आप तमाम लोगों को मालूम है। इसीलिए लोकतंत्र की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा विकल्प हो। याद कीजिए जब सबसे पहले मोबाइल आया तो BSNL का सिम मिलता था, बड़का बड़का लोग के पास मोबाइल होता था, बेल्ट में बांध के सही बात है सर, आने का भी पैसा लगता था और जाने का भी पैसा लगता था। फिर अलग अलग कंपनी आई, कंपनी के बीच में कंपटीशन हुआ और सिम बेचने वाला सिम तो फ्री में देता ही था, चाय भी पिलाता था, याद है ना? फिर क्या हुआ, फिर कर लो दुनिया मुट्ठी में, जियो का धन धनाधन होने लगा। और जियो के धन धनाधन होने के चक्कर में देखिए BSNL समाप्त, दूसरी कंपनियां समाप्त, तो कितना का रिचार्ज कराते हैं दोस्त? 600। तो 5वां मोबाइल रख पाएगा कैसे? होगा वीडियो कॉल। इसीलिए समाज में अगर राजनीति में बहुत सारे विकल्प नहीं होते हैं
तो सत्ता मगरूर हो जाती है। और सत्ता को अगर सही जगह पे रखना है तो जैसे गाय को मुखारी नहीं लगाना पड़ता है, वैसे भी सत्ता को कंट्रोल में रखने के लिए मजबूत विपक्ष का जरूरत है। हम उस पार्टी का झंडा थामे हैं जिसके लिए हम ये बात गर्व से बोल सकते हैं कि उस पार्टी ने समाज के सभी तबकों को लेकर के चला है। कोई आज अगर फन्ने खा बन रहे हैं तो मुजवानी हम उनको इतिहास याद दिला देते हैं। कोई ऐसा जात नहीं है जिसका मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बिहार में नहीं बनाया हो। ये इतिहास है। जो पार्टी ने इस देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाई, जिस पार्टी का झंडा एक तरफ श्री बाबू उठा करके चलते थे तो दूसरी तरफ बाबू जगजीवन राम उठा करके चलते थे, जिस पार्टी का झंडा एक तरफ अनुग्रह नारायण सिंह उठा करके चलते थे तो दूसरी तरफ मौलाना मजरूल हक उठा करके चलते थे, वो जो सामाजिक एकता है, सामाजिक न्याय के साथ साथ उस सामाजिक एकता को बनाने की जरूरत है। क्योंकि अगर इंसान इंसान से लड़ेगा तो बेईमान इस देश की संपत्ति को बेच देगा। आज अगर हम देश को बचाना चाहते हैं, राष्ट्रीय संपत्ति को बचाना चाहते हैं, और मैं आपको कह देता हूं, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना, राष्ट्रीय संविधान को बचाना और राष्ट्र आगे सामाजिक एकता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए इस देश की आम जनता को, उस पार्टी को अपना समर्थन देना होगा। जिस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई थी वही इस देश की आजादी की रक्षा कर सकती है। और हमको आप पूरा उम्मीद है कि जो हमारे प्रत्याशी हैं, जो पार्टी ने इस देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाई, जिस पार्टी का झंडा एक तरफ श्री बाबू उठा करके चलते थे तो दूसरी तरफ बाबू जगजीवन राम उठा करके चलते थे, जिस पार्टी का झंडा एक तरफ अनुग्रह नारायण सिंह उठा करके चलते थे तो दूसरी तरफ मौलाना मजरूल हक उठा करके चलते थे, वो जो सामाजिक एकता है, सामाजिक न्याय के साथ साथ उस सामाजिक एकता को बनाने की जरूरत है। क्योंकि अगर इंसान इंसान से लड़ेगा तो बेईमान इस देश की संपत्ति को बेच देगा। आज अगर हम देश को बचाना चाहते हैं, राष्ट्रीय संपत्ति को बचाना चाहते हैं, और मैं आपको कह देता हूं, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना, राष्ट्रीय संविधान को बचाना, और राष्ट्र आप तमाम लोगों से बनता है, तो पांच का मोबाइल रख पाएगा कैसे होगा वीडियो कॉल। इसीलिए समाज में अगर राजनीति में बहुत सारे विकल्प नहीं होते हैं तो सत्ता मगरूर हो जाती है। और सत्ता को अगर सही जगह पे रखना है तो जैसे गाय को मुखारी नहीं लगाना पड़ता है, वैसे भी सत्ता को कंट्रोल में रखने के लिए मजबूत विपक्ष का जरूरत है। हम उस पार्टी का झंडा थामे हैं जिसके लिए हम ये बात गर्व से बोल सकते हैं कि उस पार्टी ने समाज के सभी तबकों को लेकर के चला है। कोई आज अगर फन्ने खा बन रहे हैं तो मुजवानी हम उनको इतिहास याद दिला देते हैं। कोई ऐसा जात नहीं है जिसका मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बिहार में नहीं बनाया हो। ये इतिहास है।